और बड़ी खबर इस वक्त की, श्रीलंका के कोलंबो में और आसपास के इलाकों में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। अब तक जो खबर आ रही है 52 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये प्राथमिक खबर है, आंकड़ा ये अभी आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें उपचार मिल सके और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि कोई और यहां पर हादसा ना हो सके। प्राथमिक तौर पर ये आ रही खबर 52 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन एक के बाद एक धमाके। जो आशंका है वो ये कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ये करतूत हो सकती है और भारतीयों को निशाना बनाकर हमला करने की ये कोशिश हो सकती है। ऐसे में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट किया है और बताया है कि लगातार वो कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त के संपर्क में हैं और नजदीक से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, अगर ये आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की यह हरकत हो सकती है, अलर्ट के बावजूद आतंकी धमाके यहां पर हुए हैं, भारतीयों के बारे में क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, भारतीय कितने उसमें हताहत हुए हैं या घायल हुए हैं इस बारे में अभी आधिकारिक आंकड़ा कोई जारी नहीं किया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लगातार भारत का जो वहाँ पे उच्चायुक्त है उससे और उच्चायुक्त से लगातार टच में हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं और जो मौजूदा हालात है उस पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही श्रीलंका में जो भारतीय उच्चायोग है उन्होंने कुछ हॉटलाइन नंबर जो है, इमरजेंसी नंबर जो है वो जारी किए हैं, जिसमें आप फोन करके अपने जो परिचित हैं या जो अपने जो रिश्तेदार हैं भारतीय जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था भी कराई गई है और जिस तरीके की खबरें ये आ रही हैं कि ISI एक प्लॉट कर सकता है वहां पे भारतीयों को निशाना बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक एंगल हो सकता है जिसको कि अभी वहां पे जिस पर जांच की जा रही होगी। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि किस तरीके से जो 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। हालांकि अगर हम लोग बात करें इस अटैक के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से भी एक बयान जारी होता है विदेश विभाग के, विदेश मंत्रालय की तरफ से, इसमें वो सीधे तौर पर इस घटना को कंडेम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो ऐसा देश जो कि आतंकियों को पोषित करता है वो अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो जाहिर तो ये बात एक है, बड़ा सवाल भी है। लेकिन इस संडे के मौके पर एक के बाद एक कई धमाके और लगातार अपडेट्स आप देखें न्यूज 18 इंडिया पर।